हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में क्लास 10 एक्सरसाइज 4A से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 36 टू 40 कवर करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास दिया गया है क्या, तो हमें यहाँ पर रूट्स फाइंड आउट करना है और क्वेश्चन है 2x² - x + 1/8 = 0। और मेनली हमें यहाँ पर जो रूट्स फाइंड आउट करना है वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसे आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कहते हो वो हमें अभी यूज नहीं करना है। तो चलिए इसको पहले तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं और इसका एलसीएम 8 ले लेंगे तो ये हो जाएगा कितना 16x² - 8x + 1 = 0। और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16x² - 8x + 1 = 0। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज करते हैं। फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट हमारा कितना है 16x² प्लस में है तो हमें ये दोनों को ब्रेक करना पड़ेगा जिसमें दोनों टर्म नेगेटिव हो, क्योंकि नेगेटिव अगर दोनों रहेगा तो दोनों का प्रोडक्ट हमारा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट हमारे पास 16x² पॉजिटिव में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे -4x - 4x, क्योंकि ये दोनों को ऐड कर रहे हैं तो आपका 8x आ जा रहा है, +1 = 0। 4x दोनों में कॉमन है तो रिजल्ट हमारे पास 4x - 1 आ रहा है, और यहाँ से अगर 1 को कॉमन करें तो 4x - 1 = 0 आ जाएगा। अब ये दोनों टर्म में से 4x - 1 को अगर कॉमन ले ले तो रिजल्ट हमारे पास 4x - 1 = 0 आ जाएगा। वैसे अगर देखा जाए तो ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड था, लेकिन हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज करना था इसलिए मैं इस तरीके से आपको बना दिया। 4x - 1 = 0 दोनों अगर हम लिखें एंड ऐसा करके 4x - 1 = 0 तो क्या लिख सकते हैं, x का वैल्यू हमारे पास 1/4 एंड 1/4 दोनों कंडीशन में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37 देखते हैं। दिया गया है 10x - 1/x - 3 = 0। अगर x एलसीएम लें तो ये हो जाएगा 10x² - 1 - 3x = 0। और इसको प्रॉपर वे में लिखें तो 10x² - 3x - 1 = 0। अब देखिए तो इसको हमें स्प्लिट करना है तो हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट हमारा आ रहा है -10x², तो जाहिर सी बात है जो मिडिल टर्म को स्प्लिट करिएगा उसमें एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव होना चाहिए। नेगेटिव बड़ा वाले नंबर के साथ होना चाहिए और पॉजिटिव छोटे वाले नंबर के साथ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट हमारा नेगेटिव आया है, मतलब कि अगर हम इसको स्प्लिट करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव में होगा, तभी हम दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव ला सकते हैं। ओके, अब यहाँ देखिए तो 10x² - 5x + 2x - 1 = 0 लिख सकते हैं। अब ये दोनों में से 5x कॉमन आपको दिख रहा है तो 2x - 1, और इसमें से अगर 1 को कॉमन करें तो 2x - 1 = 0 आ गया। फिर क्या लिख सकते हैं, 2x - 1 × 5x + 1 = 0। अब यहाँ से अगर कंपेयर करते तो 2x - 1 = 0 एंड दूसरा हो जाएगा 5x + 1 = 0। x का वैल्यू कितना आएगा 1/2 और दूसरा x का वैल्यू कितना आ जाएगा -1/5। तो ये दो रूट हमारे 37 क्वेश्चन के हो गए। चलिए अब ये दोनों को इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको इसके बावजूद भी अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है, उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 38 नंबर क्वेश्चन है। 38 नंबर में दिया गया 2x² - 5x + 2 = 0। यहाँ पर ये 2/1 लिख सकते हैं और ये तीनों का एलसीएम हमारे पास क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। तो ये हो गया 2, ये दोनों का अगर हम देखें तो क्या आएगा ये x² एलसीएम है, x से डिवाइड करेंगे तो x आएगा, मतलब कि ये 5x हो गया, और ये 1 से डिवाइड करेंगे तो x² तो ये हो जाएगा 2x² = 0। यहाँ से आया 2x² - 5x + 2 = 0। ठीक है, अब इसे स्प्लिट करिए, 2x² - 4x - x + 2 = 0। ओके, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट 4x है और ये दोनों को स्प्लिट करने पे नेगेटिव ही साइन लेना है क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आना चाहिए। अब ये दोनों में से 2x कॉमन है तो कितना आ जाएगा, 2x अगर कॉमन करें तो x - 2 आ जाएगा, x - 2, और इसमें से 1 को कॉमन करें तो x - 2 आ जाएगा = 0।
हमारे पास रिजल्ट आ रहा है x माइनस टू इंटू टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, इट मीन्स कि x का वैल्यू एक तो हमारा 2 और दूसरा x का वैल्यू कितना 1/2। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 हमारे पास क्या दिया गया है, तो 39 हमारे पास दिया गया है 2x² + ax - a² = 0। फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट देखेंगे तो हमारे पास आ रहा है क्या 2a² x², ठीक है। देखिए तो ये माइनस में है तो जाहिर सी बात है इसको स्प्लिट करेंगे तो एक माइनस में और दूसरा प्लस में, तो हम यहाँ से लिखेंगे प्लस 2ax - ax। आप देखिए तो ये दोनों का प्रोडक्ट करके एक तो प्लस है दूसरा माइनस है तो माइनस में रिजल्ट आएगा 2ax × ax, एक इंटू a² x × x² आ गया। दोनों को सॉल्व करिएगा तो x आ जाएगा a² = 0। अब ये दोनों में से 2x कॉमन है तो आ रहा है आपके पास रिजल्ट x प्लस a, और ये दोनों में से a को कॉमन करिएगा तो x + a = 0। अब देखिए तो आपके पास आ गया x प्लस a और दूसरा क्या आया 2x - a = 0। यहाँ से आप सॉल्व करिएगा तो x + a = 0 and 2x - a = 0। तो यहाँ देखिए x प्लस a, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू -1 एंड दूसरा x का वैल्यू क्या आ जाएगा a/2। चलिए लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर देखते हैं। हमारे पास दिया गया है 4x² - 4bx + a² - b² = 0। अब देखिए फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट किया जाए, तो आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास रिजल्ट आ रहा 4 a² - b² x², ठीक है। तो इसको ये तो 4 है तो 2 और 2 में स्प्लिट कर देंगे तो काम चलेगा। पहली बात तो ये कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट पॉजिटिव में आया है तो ये दोनों साइन क्या होना चाहिए, इसको स्प्लिट करने के बाद जो दो टर्म आएगा वो दोनों नेगेटिव में होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव दोनों का रहेगा तो पॉजिटिव आएगा मल्टीप्लाई करने पर, या फिर दोनों पॉजिटिव भी रहता तो चलता, लेकिन यहाँ पर ये साइन माइनस है मतलब कि दोनों को ऐड करने पे हमारे पास माइनस आना चाहिए, तो दोनों प्लस रखेंगे तो काम नहीं होगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 4x² इसको थोड़ा स्प्लिट कर लीजिए, इसको मैं a - b × a+ लिख सकता हूँ क्या? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। देखिए तो अब इसको क्या किया जा सकता है, मैं ये लिख सकता हूँ क्या 2 a - b। अभी देखिए इसको थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, लिखने के बाद थोड़ा चेंज करेंगे आप ध्यान देंगे, 2 a - bx - 2 a - bx। अभी पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या जो हमें लाना है वो आ रहा है क्या, तो -(-) + 2 × 2 = 4, a - b × a - b, तो ये होना चाहिए था a + b² मतलब कि हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर एक माइनस में रखना है और दूसरा किस में रखना है प्लस में रखना है, तब जाकर के वो टर्म आ पाएगा। बात समझ आ रहा है, एक जैसे ये a - b है और यहाँ a + b अगर रख दे तो काम चलेगा, ठीक है। तो ये चलिए हम इसको क्या कर दिए a + b कर दिए। अब देखते हैं कि क्या ये आ रहा है, ऑफकोर्स आएगा 2 × 2 = 4, a - b × a + b और x × x² चलो लास्ट टर्म मैं यहाँ लिख देता हूँ a² - b² = 0। अब आप देखो तो ये दोनों में से आपको 2x कॉमन दिख रहा है तो ये इसमें से रेस्ट क्या बचा 2x बचा, और इसमें से क्या बचा, इसमें से हमारे पास बचा है a - b, ठीक है, यही ना बचा रेस्ट हमारे पास, ओके। अब देखिए तो इन दोनों में आपको क्या दिख रहा है, a + b आपको कॉमन दिख रहा है, रेस्ट क्या बच रहा है 2x, और ये माइनस कॉमन लिए थे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और इसको अगर स्प्लिट करेंगे तो ये आएगा, ये वाला टर्म आएगा जिसमें से आप a + b को कॉमन कर लिए हैं, तो a - b आपको रेस्ट बचेगा = 0। अब देखिए इसको फर्दर सॉल्व करिए तो 2x - a - b × 2x - a + b = 0। यहाँ से अगर आप x का वैल्यू निकाले तो मैं थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि फिर नीचे अगर मैं लिख दूँ तो आप लोगों को दिक्कत होगा समझने में, बस इतना में हो जाएगा ना। देखो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि 2x - a - b = 0,
और दूसरा लिख सकता हूँ 2x माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो 2x इज इक्वल टू a माइनस बी हो जाएगा। ओके x का वैल्यू क्या हो जाएगा a माइनस बी बाई टू। अब दूसरा देखिए तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू क्या होगा a प्लस बी और x का वैल्यू क्या हो जाएगा a प्लस बी बाई टू। तो दीज आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। आई थिंक आपको ये पांचों क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।